इस वक्त देश के तमाम लोगों की नजर एक चेहरे पर टिकी हुई है, वो चेहरा जिसे 2014 के बाद लगातार खत्म करने या फिर यूं कहें कि उस चेहरे को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिन रात करती रही। बीजेपी अपने आईटी सेल, अपने कार्यकर्ताओं, अपने अंधभक्तों को इस चेहरे के पीछे ऐसे लगा दिया था जैसे कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बस ये चेहरा है। कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने इस चेहरे को कभी पप्पू, कभी बालक बुद्धि और ना जाने कितने नामों से संबोधित किया। अब पप्पू नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिसे मोदी जी ने गोदी न्यूज एंकरों से पूछा था, कौन राहुल? अब लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी के उस बात को सीरियसली ले लिया। अब जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में बीजेपी को दिन में तारे दिखा रहे हैं, उससे तो मोदी जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच बहस की स्थिति बन गई, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने भाषण के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेने से बार बार रोका गया। वहीं संसद टीवी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बजट के हलवा समारोह के दौरान की केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर नहीं दिखाने दी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अंबानी और अडानी संबंधित राहुल गांधी के बयानों को संसदीय रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मारे जाने के प्रसंग का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक और नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी कमल के आकार में है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था। वही हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माता बहनों, लघु उद्योगों और मध्य उद्योगों के साथ किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं लेकिन इसके केंद्र में 6 लोग होते हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। इस बयान को सुनते ही सत्ता पक्ष की ओर से इसका कड़ा विरोध हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लिखित में दिया है, जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम ना लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह को कमजोर कर देगा और किसानों, मजदूरों तथा लघु उद्योग और मध्य उद्योगों की मदद करेगा, लेकिन इस बजट का उद्देश्य बड़े उद्योगों के एकाधिकार और राजनीतिक एकाधिकार के ढांचे को मजबूत करना है, जो लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करते हैं। मध्यम वर्ग ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन दिया था लेकिन केंद्रीय बजट ने उनके पीठ और सीने दोनों में छुरा घोंपा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि मध्य वर्ग शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन करता था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय में उनसे थाली बजवाई तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल फोन की लाइट चलाओ तो पूरे हिंदुस्तान में मध्य वर्ग ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने मध्य वर्ग को एक छुरा पीठ में मारा है और दूसरा छुरा छाती में। इसके लिए हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जिस बीजेपी ने आज पूरे देश के मीडिया को खत्म करने का काम किया है, पत्रकारों का आवाज दबाने का काम किया है, विपक्ष को कुचलने का काम किया है, आज उसी पार्टी के नेता सदन की गरिमा बचाने की बात कर रहे हैं।
जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से उठे और राहुल गांधी पर सदन के नियम न जानने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सवाल करके सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाने लगे। अब एक सवाल और उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी भाषा में सिवाय नफरत और हिंसा के अलावा कुछ नहीं होता, अब वो दूसरों को पद की गरिमा सिखाएंगे। सत्ता पक्ष की ओर से भारी विरोध के बीच राहुल गांधी ने कहा कि वह अडानी और अंबानी को A1 और A2 कहकर संबोधित करेंगे और साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्री को उनका बचाव करने के लिए ऊपर से आदेश मिला है। मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।